राहुल दुल्हनिया ले जाएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं राहुल वैद्य के बारे में। जहाँ शादी की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं शादी की तैयारियाँ। जिस तरह से आप लोग जानते होंगे, बिग बॉस में जब राहुल वैद्य की माँ उनसे मिलने आई थी, तभी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि वो तो तैयारियाँ शुरू भी कर चुकी हैं, बस राहुल के घर जाने की देरी है। सो इससे साफ जाहिर होता है कि अब तो तैयारियाँ जोरों शोरों से होंगी और बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी दिशा और राहुल की शादी। जी हाँ, अब बस डेट फाइनल होने को है, इसके अलावा तैयारियां तो सारी हो चुकी। जाहिर सी बात है, शादी के कार्ड भी छप चुके होंगे और राहुल वैद्य और दिशा परमार मिलकर अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाने की लिस्ट भी बना चुके होंगे। जी हाँ, जिसमें जैस्मिन भसीन और अली गोनी का नाम तो सबसे ऊपर होने ही वाला है। इसके अलावा अगर बात करें निक्की तंबोली की या फिर रुबीना दिलैक की, तो फिलहाल तो कुछ इस बात को लेकर खबर नहीं है। हो भी सकता है कि रुबीना दिलैक शिरकत कर दें और बुला लें राहुल वैद्य उन्हें अपनी शादी में, एक बार फिर से न्यू दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, अपनी तरफ से देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से रुबीना लेक ने ये बात बोल भी दी है कि फिलहाल ना ही उनसे उनकी दुश्मनी है और ना ही दोस्ती है, सो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। फिलहाल जिस तरह से बिग बॉस के घर में कई बार राहुल वैद्य ये कहते हुए देखे गए हैं कि अब उनसे इंतजार नहीं होता है। जी हाँ, अगर वो ये भी बोलते हुए देखे गए हैं अली गोनी के साथ कि जब वो राहुल वैद्य घर छोड़कर, यानी कि बिग बॉस हाउस छोड़कर घर गए थे, तो अगर 7 दिन के अंदर शादी हो सकती तो वो शादी करके ही घर पर वापस आते, यानी कि बिग बॉस के घर दोबारा वापस आते। लेकिन इतने में इतनी जल्दी कुछ भी पॉसिबल नहीं था, इस वजह से उनको फिर से इंतजार करना पड़ रहा। तो कुछ इस कदर बेचैनी देखी गई है राहुल वैद्य के अंदर। जी हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन है शादी के लिए। सो अब बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करने वाले हैं और ना ही फैंस को कराने वाले हैं। बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी और शादी में शिरकत करेंगे उनके जिगरी यार। खैर, यहाँ पर बात हो गई उनकी शादी को लेकर। आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताना। टेलीविजन के ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।